शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी के बयान को कहा झूठा और लगाए कई इल्जाम, देखिए वीडियो। जी हां, राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी से लेकर शर्लिन चोपड़ा और उन तमाम लोगों के बयान है जिनसे पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के बयान का भी जिक्र है जिसमें पुलिस पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पति राज कुंद्रा की इन गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा का कहना है कि वह अपने काम में व्यस्त थी और इसलिए नहीं जानती थी कि राज कुंद्रा क्या कर रहे थे। अब शर्लिन चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर कर शिल्पा के इस बयान की हंसी उड़ाई है। शर्लिन ने इसे येड़ा बनकर पेड़ा खाना कहा है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को मुंबई की एक अदालत में ये चार्जशीट दायर की। शिल्पा के बयान पर कटाक्ष करते हुए शर्लिन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वह वर्कआउट कर रही है और शिल्पा को दीदी कह रही है। शर्लिन कहती है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीदी का ये कहना है कि उन्हें अपने पति के कुख्यात गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और तो और दीदी का ये भी कहना है कि उन्हें अपने पति की चल अचल संपत्ति के स्रोत की भी जानकारी नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। वैसे इसे क्या कहते हैं, येड़ा बनकर पेड़ा खाना। पुलिस की चार्जशीट में शर्लिन चोपड़ा का बयान भी शामिल है। इसमें एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्होंने सौरभ कुशवाहा और राज कुंद्रा की कंपनी आम प्राइम प्राइवेट लिमिटेड को शर्लिन चोपड़ा ऐप बनाने का काम दिया था, लेकिन उन्हें कभी इसकी कमाई का हिस्सा नहीं मिला। शर्लिन ने अपने बयान में कहा कि मुझे कभी मेरी 50% हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसके बाद राज कुंद्रा ने मुझे हॉट शॉट नाम के ऐप में काम करने के लिए ऑफर दिया था। ये भी आर्म्स प्राइम प्राइवेट लिमिटेड का ही ऐप है। मुझे ये कहा गया कि हॉट शॉट के साथ काम करना बिल्कुल सही निर्णय होगा। बताया गया कि हॉट शॉट पर बोल्ड कंटेंट होगा, लेकिन हम इसको लेकर समझौते पर नहीं पहुंच सके। शर्लिन ने अपने बयान में कहा है कि क्रिएटिव आइडियाज और पैसों के कारण ये डील नहीं हो पाई थी। शर्लिन ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि हॉट शॉट की क्रिएटिव डायरेक्टर मीता झुनझुनवाला ने उन्हें साथ में काम करने के लिए खूब मनाने की कोशिश की थी। यहाँ एक और बात का जिक्र जरूरी है, शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण का मामला पहले से दर्ज करवा रखा है। एक्ट्रेस का आरोप है कि राज कुंद्रा ने एक दिन उनके घर आकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब एक्ट्रेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि वह शादीशुदा है, तो कथित तौर पर राज ने शर्लिन से कहा कि उनके और शिल्पा शेट्टी के रिश्ते अच्छे नहीं है और वे घर पर अधिकतर समय परेशान ही रहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीदी का ये कहना है कि उन्हें अपने पतिदेव के नेफेरियस एक्टिविटीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और तो और दीदी का ये भी कहना है कि उनके पतिदेव की चल अचल संपत्ति के स्रोत की जानकारी भी उन्हें नहीं थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। वैसे इसे क्या कहते हैं, येड़ा बनकर पेड़ा खाना, है ना?